असलकम व्बरकू wa तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉरेंस फोर्स सो व्हाट इज़ दिस लॉरेंस फोर्स एंड व्हाट इज़ इट्स ओरिजिन ये लॉरेंस फोर्स जो होता है जब भी हम कोई चार्जड पार्टिकल एक ऐसी स्पेस में थ्रो करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा तो उस स्पेस में जो चार्जड पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्स सो द लॉरेंस फोर्स इज़ द फोर्स एक्सपीरियंसड बाय ए चार्जड पार्टिकल इन ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट उसको हम क्या कहते हैं बेटा लॉरेंस फोर्स तो मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा फोर्स एक्सपीरियंसड बाई द चार्जड पार्टिकल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके बराबर होगा बेटा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज़ फोर्स एक्सपीरियंसड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन हमें पता है हमने चार्जड पार्टिकल को एक ऐसी जगह डाला हुआ है जहाँ पर दोनों फील्ड प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो मुझे बताइए वट इज़ दिस दिस इज फोर्स ड्यू टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड नो वट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना होगा सो दैट विल भी इक्वल्ड व्हाट इज एफ एम इक्वल्ड दैट इज क्यू वी क्रॉस बी ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लेकिन ये फोर्स अब एग्जिस्ट कर रहा है जब ऑलरेडी चार्जेड पार्टिकल बेटा मूविंग हो या इसकी कोई विलोसिटी होगी So, ये दो फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा एडिशन जो होगा रिजल्टेंट होगा उसको कहते हैं लॉरेंस फोर्स सो व्हाट इज द नेट फोर्स इक्वल्ड अगर हम देखेंगे नेट फोर्स किसके बराबर आएगा टोटल फोर्स इट इज इक्वल एफ ई प्लस एफ एम ठीक है सो so, बताइए यहां पर क्या मिलेगा सो नेट फोर्स दैट इज कॉल्ड एज लॉरेंट फोर्स विल बीवल्ड एफ ई के बदले बेटा हम लिखेंगे क्यों ई दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट प्लस एफ एम किसके बराबर है क्यू वी क्रॉस बी इट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट ठीक है ना तो टोटल फोर्स किसके बराबर आएगा आप क्यू कॉमन निकाल सकते हैं बेटा यहाँ पे तो क्या आएगा दिस इज इक्वल टू ई प्लस वी क्रॉस बी इसको हम कहते हैं लॉरेंट्स फोर्स सो so, फिर से आई एम रिपीटिंग वेन चार्जड पार्टिकल इज मूविंग इन अ रीजन वेयर द बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट द टोटल फोर्स एक्सपीरियंसड बाई चार्जड पार्टिकल इज कॉल्ड एज लॉरेंट्स फोर्स चार्जड पार्टिकल जब मूव कर रहा है एक ऐसी जगह एक ऐसी स्पेस में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्सेस होंगे उन फोर्सेस को के रिजल्टेंट uh, को हम क्या कहते हैं बेटा उसको हम कहते हैं लॉरेंट्स फोर्स आर ये बात समझ तो इसमें एक दो केसेस हम इजीली बता सकते हैं सपोज़ पहला वाला केस जो है सपोज मैं लिख रहा हूँ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों कोलिनियर होंगे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से है मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ से है और मोशन भी वहीं से है तो वट इज फोर्स इक्वल उस टाइम पे लॉरेंस फोर्स किसके बराबर आएगा वेलोसिटी और जब चार्जेड पार्टिकल मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फोर्स ऑब्वियसली जीरो बिकॉज वी क्रॉस भी होता है वी बी साइन थीटा थीटा भी जीरो है सो वी बी साइन जीरो ज़ीरो होता है तो ये बनेगा ज़ीरो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जब चार्जेड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है यानी उस टाइम पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा देर विल बी ओनली वन फोर्स जब ये तीनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो सिर्फ एक फोर्स होगा जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं ओके इसका दूसरा केस बनेगा मान लीजिए हम इसका दूसरा केस कंसिडर कर रहे हैं अगर ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे मैं लिख रहा हूँ एक स्पेशल केस है इफ़ वी ई एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर अगर ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे ठीक है कुछ ऐसे मान लीजिए सपोज मैंने बेटा यहाँ से रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से मैंने रखा है मैगनेटिक फील्ड तो हो गया नाइन्टी और चार्जड पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है ये डायरेक्शन मैंने आउट बाहर की ओर दैट मीन्स ई बी और वी वेलोसिटी ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है सो दिस इज़ वेलोसिटी तो सबसे पहले मुझे बताएं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में होगा वट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स वी क्रॉस बी सो वी ये है बी ये है वी क्रॉस बी होगा यहाँ की ओर वी बाहर की ओर है बेटा बी ऊपर की ओर है सो so ये वी है ये बी है वी क्रॉस बी होगा यहाँ यानी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ की ओर होगा दिस विल बी मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस विल भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ आ रही है बात तो ऐसा लग रहा है अगर वी यहाँ से है बी यहाँ से है ई यहाँ से है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में ऑपोजिट है दैट मीन्स वी मे हैव द सिचुएशन हम ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो होंगे वो ऑपोजिट होंगे ठीक है वो ऑपोजिट होंगे और अगर नेट फोर्स चार्जड पार्टिकल पे ज़ीरो होगा अगर ये बैलेंस करेंगे एक दूसरे को नेट फोर्स जीरो होगा चार्जड पार्टिकल मूव करेगा फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से तो मैं लिखूँगा अगर ऐसा हुआ इफ़ नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो यानी एफ ई किसके बराबर आएगा एफ एम के बराबर एफ इज इक्वल टू एफ एम वट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल इट इज क्यों इन टू ई वट इज मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यो वी क्रॉस बी यानी क्यो वी बी साइन थीटा वी क्रॉस भी होता है ना साइन थीटा थीटा अभी कितना है नाइनटी सो साइन नाइनटी तो यहाँ पर क्या आएगा क्यू ई e किसके बराबर आएगा साइन नाइनटी इज वन इट इज क्यू वी बी क्यू क्यों बेटा कैंसिल होगा वेलोसिटी किसके बराबर आएगी ई बाई वी दैट मीन्स अगर चार्ज पार्टिकल अगर ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे और ऐसी सीन में होंगे तो अगर नेट फोर जीरो हुआ तो ये चार्जड पार्टिकल मूव करेगा कॉन्स्टेंट विलासिटी से और वो वेलोसिटी किसके बराबर होगी रैश ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स यानी आप एक चार्जड पार्टिकल को कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा सकते हो और इसको हम बेटा कहते हैं विलासिटी सिलेक्टर इट इज कॉल्ड एज विलिटी सिलेक्टर ठीक है इसको आगे तो और भी एक्सप्लेन किया आगे मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है वहाँ पर ये थोड़ा और मैं टच करूँगा फिलहाल यहाँ पे काफ़ी है सो so फिर से आई एम रिपीटिंग द थिंग्स लॉरेंस फोर्स मैंने पढ़ाया क्या है लॉरेंस फोर्स टोटल इसके बराबर होता है इसमें ती दो केसेस हमने पढ़े अगर तीनों फील्ड्स को होंगे या तीनों परपेंडिकुलर होंगे तो ऐसा सीन देखने को मिलेगा इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक बस ये हो गया कंप्लीट लॉरेंस फोर्स इसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा कि वट इज़ डन बाई द लॉरेंस फोर्स लॉरेंट्स फोर्स बेटा कितना वर्क करता है वर्क डन बाई लॉरेंस फोर्स सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे वो ये कि मैग्नेटिक फोर्स नेवर डू एनी वर्क मैग्नेटिक फोर्स बेटा कभी वर्क नहीं करते मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क नहीं करते है. क्यों नहीं करते वो दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर ऊपर तो टॉपिक आप, आप नाम लिख सकते हैं वर्क डन बाय लॉरेंट्स फोर्स लॉरेंट्स फोर्स कितना वर्क कर रहा है पहले मैथमेटिकली देखेंगे उसके बाद थोड़ा थ्योरेटिकली समझाएंगे सो आई एम राइटिंग हियर वर्क डन बाय लॉरेंस फोर्स वर्क डन बाई लॉरेंस फोर्स ठीक है सबसे पहले बताया वो इज लॉरेंस फोर्स इक्वल शाबाश अभी अभी है लॉरेंस फोर्स किसके बराबर होता है क्यों ई प्लस बी क्रॉस बी ठीक सपोज एक पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ थ्रू डी एल इन टाइम डी टी मैं लिखूँगा इफ पार्टिकल जो इस इन दोनों फील्ड्स में मूव कर रहा है इफ पार्टिकल मूव्स एक पार्टिकल मूव कर रहा है कितना थ्रू कितना मूव कर रहा है शाबाश इट इज मूविंग थ्रू डी एल कितने टाइम में शाबाश इन टाइम डी टी डी एल इसने मूव किया टाइम डी टी में तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल डी एल बाई डी टी डी एल बाई डी टी तो इसका मतलब है डी एल किसके बराबर होगा इट इज इक्वल टू वी डी टी वी इज अ वोसिटी ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल जो मूव कर रहा है इन फील्ड में ओके नाउ व्हाट इज अ स्मॉल वर्क डन इन टाइम डी टी सो व्हाट इज स्मॉल वर्क डन इक्वल दैट इज ऑब्वियसली इक्वल एफ डॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिसमेंट एफ डॉट डी एल ठीक है सो so, फोर्स का वैल्यू मैं पुट करूंगा क्यों प्लस वी क्रॉस बी अच्छे से समझने की कोशिश करें डॉट किसके साथ करना है DL के साथ वो किसके बराबर आता है? आया है VDT के बराबर। ठीक है? ओके okay. अब यहां पर अगर हम देखेंगे सॉरी इट इज डीएल इज इक्वल टू वी डी टी वी डी टी ठीक है ना सो so अगर मैं देखना चाहूं डन यूनिट टाइम अगर आप देखना चाहेंगे डी डब्ल्यू बाई डी टी ये डी टी मैंने नीचे लिया तो ये क्या आएगा क्यू ई डॉट वी ठीक है ई को डॉट किया वी के साथ प्लस फिर से मैं लिखूंगा क्यू वी क्रॉस बी डॉट वी ये डॉट वी मैंने इसको भी दिया इसको भी डॉट वी अलग से दे दिया ठीक है तो यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं ये e डॉट v की जब हम बात करेंगे ये e डॉट v की जब हम बात करेंगे या एक बात मुझे पहले बता चलिए e डॉट v दो मिनट के लिए रहने देते हैं मुझे आप एक बात बताइए ये V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर टू तो बो तो v और B का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी विल बी परपर्नडिकुलर टू बोथ वी एंड बी और जब उसी रिजल्टेंट को हम वी के साथ डॉट करेंगे यानी उस रिजल्टेंट और वी के बीच में एंगल नाइन्टी होगा और दो वैक्टर्स जिनके बीच में एंगल नाइन्टी होता है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है यानी ये वह सारा कॉम्पोनेंट जीरो बनेगा इसको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे मान लीजिए बी बेटा इन्वर्ड है वी में ऐसे दे रहा हूँ तो चार्जेड पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो मुझे आप एक बात बताइए वॉट इज़ द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी वी ए है बी इन वर्ड हैं सो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन बेटा ये होगी ऊपर की ओर वी ए बी इन वर्ड वी क्रॉस बी विल बी अपवर्ड सो वी क्रॉस बी के डायरेक्शन ये होगी सो वी क्रॉस बी और वी के बीच में कितना एंगल बन रहा है नाइन्टी डिग्री और जब दो वैक्टर जिनके बीच में एंगल नाइन्टी होगा उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है यानी इस और इसके बीच में एंगल 90 है तो एंगल जीरो बनेगा सो so ये सारा जो निकल के आएगा इट विल बी विलो इसका मतलब ये मैग्नेटिक कंपोनेंट जो है इट इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क सो व्हाट इज डी डब्ल्यू बाई डी टीव डी डब्ल्यू बाई डी टी विल बील्ड क्यों एफ डेट मीन एफ डॉट वी ठीक है ना जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वी कैन ऑल्सो से इट इज पॉवर पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वालासिटी सो एक बात याद रखें आप अब जब भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट uh, है पहला पॉइंट कि मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट डू एनी वर्क मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं किया करते सो so अगर लॉरेंट्स फोर्स की वजह से टोटल वर्कडन ढूंढना हो देट विल बीकॉल्ट वर्कडन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट ऑनली ओके और एक बात भी बता दें अब चूँकि ऑब्जेक्ट जब चार्जर्ड पार्टिकल को नाइन्टी डिग्री एंगल पर थ्रो करते हैं सर्कल में मूव करते हैं और सर्कुलर पाथ में वर्कडन बेटा जीरो के बराबर होता है बिकॉज एंगल 90 होता है सो so, इसका मतलब यहाँ पे वी लॉस भी जो होगा दैट इज प्रोवाइडिंग देंट्रपिटल फोर्स देयर विल बी ओनली वन फोर्स एक ही फोर्स है सिर्फ सेंट्रपिटल फोर्स और सेंट्रपिटल फोर्स पार्टिकल की वेलोसिटी कभी नहीं बढ़ा पाता है बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनेगा का केस बनेगा सो दैट मीन्स कायनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कॉन्स्टेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज नॉट गोइंग टू चेंज समझ आ रही है बाबा सो so, ये सीखा हमने कि कैसे निकाला जाए वर्क डन बाई द लॉरेंट्स फोर्स ठीक बेटा अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब हम और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है एंड दैट इज़ साइक्लोट्रॉन ठीक तो इससे पहले कि इसका हम कंस्ट्रक्शन पढ़ें इसका वर्किंग पढ़ें पहले आपको ये बताते चलें कि साइक्लोट्रॉन का काम क्या है किस चीज़ को हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं ठीक तो न्यूक्लियर रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होना चाहिए दैट इज़ विलॉस्टी ऑफ द चार्जड पार्टिकल विच इज़ गोइंग टू हिट द न्यूक्लियस मान लीजिए मैं न्यूक्लियर रिएक्शन करानी है ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए मुझे एक चार्जड पार्टिकल बेटा न्यूक्लियस को हिट करवाना है जब ये चार्जड पार्टिकल न्यूक्लियस के नज़दीक जाएगा तो न्यूक्लियस जो है वो इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जर्ट करेगा और वो बहुत ही ज़्यादा होगा वो रिपल्सिव फोर्स इसको नज़दीक आने नहीं देगा सो न्यूक्लियर रिएक्शन हो इसके लिए कंडीशन ये है कि ये चार्जड पार्टिकल जो है इसकी हाई वेलोसिटी होनी चाहिए ये हाई वेलोसिटी से मुँह करना चाहिए और ये चार्जड पार्टिकल जो है इनको हम हाई वेलोसिटी से मुँह कराने के लिए हमारे पास पार्टिकल एक्सलोरेटर्स होते हैं एंड साइक्लोट्रॉन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सलोरेटर ऑफ द चार्जड पार्टिकल ठीक है ना

तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या है ठीक तो सबसे पहले आपको बताते चले ये साइक्लोट्रॉन जो होता है इसमें दो हॉलोडीज़ होते हैं मेटेलिक होते हैं हॉलोडी शेप्ड आर देयर कुछ ऐसे मान लीजिए ये मैं एक डी बना रहा हूँ थोड़ा सा थ्री डी वे बनाने की कोशिश करेंगे इसका सपोज़ ये ये हमारा एक हॉलोडी है ये अंदर से हॉलो है ख़ाली है ये डी शेप्ड चैम्बर होता है मेटालिक डी शेपड चैम्बर ठीक है ये अंदर से हॉलो होता है खाली होता है इसी तरह से यहाँ इसके बराबर दूसरे साइड से और एक चैम्बर बेटा है ठीक है ना ये और एक चैम्बर हमारा है ये भी हॉलो ही है सो दीज़ आर टू हॉलो डीज़ ठीक है ये मेटालिक होते हैं ताकि इसके अंदर चार्जेड पार्टिकल निकल के फिर इस डी के अंदर चला जाए वी हैव टू डीज़ और हेयर एक तो हमारे पास एक डी होता बेटा ये दो डीज हैं अब हम क्या करते हैं इन दो डीज़ को हम बाहर से एक ए सी सोर्स कनेक्ट करते हैं ताकि वो अपनी पोलैरिटी रेगुलर इंटरवल्स पे वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर सके ठीक सो so, हमारे पास कुछ ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं ये एक डी मैं ले रहा हूँ आप देख लीजिए अंदर से खाली है सो so, ये एक डी है जो अंदर से खाली है ये डी शेपड मेटेलिक डीज होते हैं मेटेलिक होते हैं ये डी शेप लेकिन अंदर से खाली होते हैं ऐसे ठीक सो so, इस तरीके से दो डीज़ होते हैं साइड बाई साइड आर टू टू डी साइड बाई साइड ऐसे ये डीज़ होते हैं ठीक है ऐसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे तो ये दो डीज़ होते हैं इनके बीच में लेकिन थोड़ी सी गैप हम रखते हैं इन दो डीज़ के बीच में थोड़ी गैप रखते हैं और चार्जेड पार्टिकल शायद कुछ ऐसे इसके अंदर जाके फिर वापस निकल के बाहर आता है ठीक है सो ये दो डीज बेटा मैंने बनाए बोर्ड के ऊपर और यहाँ हम पर हमने एक एसी सोर्स भी कनेक्ट किया हुआ है और इसके बाद हम क्या करते हैं हम यहाँ पर ये दो डीज जिस प्लेन में है ये दो डीज जिस प्लान में है बात को समझने की कोशिश करिए ये दो डीज़ मान लीजिए इस प्लेन में है ऐसे मैंने दो डीज़ रखे हुए हैं और इन दो डीज़ को हम अब दो मैग्नेट्स लाते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लान ऑफ द डीज़ इन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा इसके ऊपर इन दो डीज़ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू डीज इसको ऐसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पे दो और मैग्नेटिक पोल रखे हुए हैं मान लीजिए नॉर्थ पोल है मान लीजिए साउथ पोल है और वो पोल्स कर आप प्रोड्यूस करेंगे वो पोल्स बेटा प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड इन दो डीज के अंदर जा रहा है अब ये बेसिक इसका कंस्ट्रक्शन है ठीक सो देर आर टू हॉलो डी शेपड चैम्बर्स देर इज एन ए सी सोर्स विच इज़ कनेक्टेड टू डीज देर इज देर आर टू मैग्नेटिक पोल्स विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज ठीक है अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है इसके बाद यहाँ पर एक आयाम सोर्स होता है जो चार्ज प्रोड्यूस करता है हम कह सकते हैं मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज हमने रखा हुआ है सपोज़ वे हैव ए चार्ज सोर्स और है अब वर्किंग समझाने की कोशिश करेंगे मान लीजिए ये ये जो है ये चैम्बर जो है ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव सपोज़ एट एनी इंस्टेंट दिस इज़ पॉजिटिव एंड सपोज़ दिस इज़ नेगेटिव तो ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा तो हो क्या जाएगा इसको चूँकि ये स्पेस में स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्म तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव पोटेंशियल उसको पुश करेगा यानी ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस डी के अंदर चला जाएगा जो ही ये डी के अंदर गया तो जो ही ये डी के अंदर जाएगा ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा ठीक है तो बात को समझने की कोशिश करिए जो ही चार्जेड पार्टिकल डी के अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि परपेंडिकुलर है वो इसको सर्कल में मूव कराने की कोशिश करेगा तो ये चार्जेड पार्टिकल ऐसे सर्कल में मूव करेगा और वापस इसी गैप के अंदर आने की कोशिश करेगा और जब ये चार्जेड पार्टिकल हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा सेमी सर्कल कंप्लीट करेगा हमने इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट की हुई होती है कि जब ये चार्जड पार्टिकल वापस इस गैप में आए उसी टाइम में ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता है ये बनता है नेगेटिव और ये वाला डी बनता है पॉजिटिव जो कि ए सी सोर्स करवा रहा है ए सी सोर्स की पोलैरिटी रेगुलर टाइम्स पे चेंज होती है रिवर्स होती है अब जब ये चार्ज यहाँ गया ये बना पॉजिटिव ये बना नेगेटिव पॉजिटिव इस चार्ज को पुश करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पुश करेगा यहाँ की ओर दैट मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पुश करेगा यहाँ की ओर ये चार्जड पार्टिकल जो है बेटा ये एक्सेलरेट हो जाएगा

इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस गैप में एग्जिस्ट करेगा इन दो डीज़ के बीच में जो गैप है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा लेकिन इन दो डीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा इसका मतलब चार्जेड पार्टिकल एक्सलरेट होगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी सिर्फ इस गैप के अंदर और जब चार्जड पार्टिकल डीज के अंदर होगा तो वेलोसिटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी लेकिन डीज के अंदर चार्जड पार्टिकल जो है चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा फिर ये यह यहाँ पहुँच जाएगा जब ये चार्जेड पार्टिकल यहाँ पहुँच गया फिर से पोलैरिटी रिवर्स होगी ये फिर से बनेगा पॉजिटिव ये फिर से बनेगा नेगेटिव और पॉजिटिव इसको धक्का देगा नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा फिर से यहाँ से यहाँ तक चार्जेड पार्टिकल की वेलोसिटी लेकिन यहाँ से यहाँ बढ़ेगी एक्सेलरेट होगा अब चार्जेड पार्टिकल थोड़े बड़े सर्कल में मूव करेगा बिकॉज वेलोसिटी बढ़ गई है इस गैप में वेलोसिटी बढ़ गई है अब उसी वेलोसिटी से चार्जेड पार्टिकल इस डी के अंदर मूव करेगा फिर से पोलैरिटी चेंज होगी यहाँ से यहाँ और वेलोसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी और उसी बढ़ती हुई वेलोसिटी के साथ चार्जड पार्टिकल और बड़े सर्कल में मूव करेगा दियरफोर सर्कल का रेडियस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और वेलोसिटी चार्जड पार्टिकल की अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी और फाइनली जब चार्जेड पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी एक विंडो से हम इसको इमर्ज करवाते हैं और वो टारगेट को बेटा हिट करता है हाई वेलोसिटी के साथ दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन और और एक बात भी आपको बताते चले शायद आपको ये याद होगा मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि जब चार्जेड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होगा भले ही वेलोसिटी कितनी भी ज़्यादा हो भले ही रेडियस कितना भी ज़्यादा हो लेकिन टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड द रेडियस टाइम पीरियड जो चार्जेड पार्टिकल का आया था वो क्या आया था टू पाई एम बाई क्यू बी यानी चार्जेड टाइम पीरियड छोटे सर्कल के लिए भी वही होगा बड़े सर्कल के लिए भी वही होगा इसलिए एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी सेट होगी अगर दो सेकंड्स के बाद चार्जेड पार्टिकल यहाँ आएगा दो सेकंड्स के बाद ही पोलैरिटी चेंज होगी जब चार्जेड पार्टिकल फिर से कुछ टाइम के बाद जितने टाइम के बाद चार्जेड पार्टिकल यहाँ आएगा पोलैरिटी अकॉर्डिंगली बेटा चेंज हो जाएगी अगर पूरा एक सर्कुलेशन करने में सपोज चार सेकेंड्स लगते हैं तो सेमी सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा दो सेकेंड्स को दो सेकंड जब चार्जेड पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया होगा दो सेकेंड्स हुए होंगे और पोलैरिटी चेंज होगी दो सेकंड्स के बाद समझ आ रही है बात फिर इसके बाद जब चार्जड पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा एक सर्कुलेशन कंप्लीट होगी चार सेकंड्स हो गए फिर से पोलैरिटी बेटा रिवर्स होगी सो so, पोलैरिटी जो है वो रिवर्स होती है और रेगुलर इंटरवल्स पर पोलैरिटी रिवर्स होती है सर्कल का रेडियस बढ़ता जाता है विलासिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है फिर फाइनली हम चार्जड पार्टिकल को चार्जड पार्टिकल फाइनली निकलता है इस साइक्लोट्रॉन से बाहर लेकिन एक बात याद रखिए वेलोसिटी कहाँ बढ़ती है इस गैप में इस वाले जब डी के अंदर चार्ज पार्टिकल हैं डी के अंदर चार्जेड पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं बढ़ती है लेकिन चार्जेड पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेता है समझ इनफैक्ट यहाँ पर भी सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेगा ये डीज के बीच में गैप ज़्यादा नहीं होती अब तो ये दिख रहा है कि ये सर्कुलर नहीं है अदरवाइज ये गैप बहुत कम होती है डीज के बीच में अब एक छोटी सी मैथमेटिकल बस इतना ही है साइक्लोट्रॉन एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पर देखेंगे बेटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको बताएंगे सबसे पहले मुझे बताएं सपोज मैं कोई भी सर्कल लूँगा उस सर्कल का रेडियस फिर से क्या होगा अगर मैं रेडियस लिखूंगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ का बेटा रेडियस क्या होगा हमने पढ़ा है कि जब सर्कल में चार्जेड पार्टिकल मूव करेगा सेंट्रपिटल फोर्स होना चाहिए दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ये तो है जो इसको सेंट्रपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रपटल फोर्स बेटा किसके बराबर होता है एम वी स्केर बायर मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है क्यू वी बी असल में होता है क्यो वी बी साइन थी ता. यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बड़ा एंगल 90 है बिकॉज चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है चार्जर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी ये प्लेन में है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है सो क्यू वी बी साइन नाइनटी साइन नाइनटी इज वन तो वी वी कटेगा सो वट इज रेडियस इक्वल्ड एम वी बाई क्यू बी ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अब थोड़ा यहाँ पे और बिकॉज एग्जाम में ये भी आपको लिखना है सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग जब पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ गई होगी तो सर्कल का रेडियस भी बढ़ गया होगा समझ आ रही है बात ओके नौ कितना टाइम लगेगा सेमी सर्कुलर पाथ ट्रैवल करने में सो so, अगर मैं लिखूँगा टाइम टेकन टू कंप्लीट द फुर सर्कल अगर फुल सर्कल हमारा होगा पूरे सर्कल में कितना पूरा सर्कल एक सर्कल कंप्लीट करने में बेटा कितना टाइम लगेगा सो टाइम रिक्वायर्ड विल बी आप लिख सकते हैं टाइम टेकन कितना टाइम बेटा लगेगा एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम पीरियड इज इक्वल इसका कोई भी कोई भी सर्कल ले लीजिए अंदर वाला बाहर वाला सपोज मैं कोई जनरल सर्कल ले रहा हूँ जिसका रेडियस आर है सो टाइम पीरियड आएगा टू पाई आर डिवाइड बाई वेलोसिटी ठीक सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू टू पाई बाई वी रेडियस अभी अभी हमने निकाला है रेडियस आया था एम वी बाई क्यू बी के बराबर सो वी वी कटेगा टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू टू पाई एम बाई क्यू बी फिर से मैं बता रहा हूँ कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ये बहुत ब्लेसिंग है इसके लिए अदरवाइज अगर डिसिंक्रोनाइज अगर टाइम पीरियड जो है अगर वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता तो बहुत प्रॉब्लम थी बिकॉज नेक्स्ट टाइम वेलोसिटी ज़्यादा होगी चार्ज पार्टिकल की ठीक है वेलोसिटी ज्यादा होगी और टाइम पीरियड भी अकॉर्डिंगली होगा बहुत ज्यादा या बहुत कम तो उस वाले केस में प्रॉब्लम हो जाती है डिसिंक्रोनाइजेशन वुड टेक प्लेस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर ठीक सेमी सर्कुलर पाथ में कितना टाइम लगेगा आधा ही पाथ अगर इसका हाफ सेमी सर्कुल ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा बेटा पाई एम बाई क्यू बी पाई एम बाई क्यू बी आ रही है बात समझ और अगर आप फ्रीक्वेंसी ढूंढना चाहोगे वट इज़ फ्रीक्वेंसी इक्वल्ड फ्रीक्वेंसी इज द रेस्पेक्ल ऑफ द टाइम पीरियड यानी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगी क्यों बी बाई टो पाएम क्यों बी बाई टू पा एम एग्जाम में आप क्या आता है कि आप बता दीजिए कि साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन क्या है साइक्लोट्रॉन का वर्किंग वगैरह क्या है और इसके साथ एक छोटी सी डेराइवेशन आती है वो ये कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की आप रिलेशन एक डिराइव कर लीजिए डिराइव द रिलेशन फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल अब जितना धीरे धीरे सर्कल बढ़ेगा 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 वेलोसिटी भी बढ़ेगी और जो आउटर सर्कल होगा सबसे बड़ा वाला सर्कल जो होगा उस बड़े वाले सर्कल में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी सो अगर मैं एक रिलेशन डिराइव करना चाहूँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की तो बता दीजिए क्या लिखेंगे वॉट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के मैक्स इट इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी मैक्स स्क्र मैक्सिमम वेलोसिटी सो अभी अभी हम पढ़ चुके हैं रेडियस किसके बराबर होता है शाबाश एम वी बाई क्यू बी सो अगर रेडियस मैक्सिमम होगा velocity भी मैक्सिमम होगी तो मैं लिख सकता हूँ ये क्यू बी इधर जाएगा मैं लिख सकता हूँ क्यू बी आर मैक्स मैक्मम रेडियस यानी आउटर सर्कल में जब चार्जर्ड पार्टिकल मूव करेगा डिवाइड बाई एम दिस विल बी मैक्सिमम विलसिटी दिस विल ठीक है सो मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करेंगे सो वॉट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्जेड पार्टिकल इन द साइक्लोट्रॉन इक्वल हॉफ ऑफ एम वट इज मी वी मैक्स इक्वल क्यों बी आर मैक्स बाई एम इसका लेकिन क्या लेना है स्क्यर दिस इज द रिलेशन फॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्जेड पार्टिकल आ रही है बात समझ सो so, यहाँ से हमने सीखा कि साइक्लोट्रॉन में जब चार्जेड पार्टिकल मूव करेगा उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा इसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी बस इसके बाद लास्ट एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद रखें वो ये कि साइक्लोट्रॉन जो है इसकी कुछ लिमिटेशन है हमारे पास साइक्लोट्रॉन की कुछ लिमिटेशन हैं अच्छा पहला लिमिटेशन इसका पी मैं सेंड करूँगा आपको साथ साथ ओके साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस बेटा बता दीजिए क्या है लिमिटेशंस देखिए लिमिटेशंस क्या है लिमिटेशंस पहला लिमिटेशन आप लिख लीजिए वो ये कि इट कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सेलरेट द न्यूट्रल पार्टिकल अगर न्यूट्रल पार्टिकल होगा तो फील्ड कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा फील्ड की वजह से फोर्स एग्जर्ट होता है चार्ज पे अगर ये न्यूट्रल पार्टिकल होगा तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा एक ही जगह रहेगा So, पहला लिमिटेशन क्या है इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स कांट बी यूज शाबाश टू एक्सरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रल पार्टिकल्स को बेटा एक्सरेट नहीं कर पाएगा पॉइंट नंबर वन दूसरा लिमिटेशन वो है कि इट नॉट बी यूज टू एक्सरेट द इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको एक्सरेट नहीं हाँ कर पाएगा लेकिन उनमें प्रॉब्लम हो जाती है क्या हमें पता है कि उनका इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है और मास कम होने की वजह से वो जल्दी वेलोसिटी एब्रप्टली गेन कर पाते हैं बहुत ज़्यादा वेलोसिटी वो गेन कर पाते हैं और हम रिलेटिविटी में जब जाते हैं पार्टिकल का मास चेंज होता है विद वेलोसिटी सो एम नॉट बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्यर बाई सी स्केयर दिस इज द रिलेशन विच इज़ दिच गिव्स द रिलेशन ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल विद वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा चेंज होगी तो इसका मास चेंज हो जाता है जिसको हम रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं सो so, इलेक्ट्रॉन जब हम एक्सलट करवाएंगे इलेक्ट्रॉन्स का मास इनिशियली ऑलरेडी कम होता है उनकी वेलोसिटी जल्दी से एब्रपली चेंज होती है जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज होती है तो अकॉर्डिंगली उनका मास जो है वो चेंज हो जाएगा और जब मास चेंज होगा एक प्रॉब्लम हो जाएगी देखिए क्या टाइम किसके बराबर होता है टाइम पीरियड किसके बराबर होता है टू बाई एम बाई क्यो भी सो जब मास चेंज होगा एब्रपली उनका मास बहुत चेंज हो जाता है जब मास चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा और टाइम पीरियड चेंज होने से क्या होगा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दो सेकेंड्स लगते थे और ऑसलेटर को ऑलरेडी बताया गया था कि आप दो सेकेंड्स के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज करिएगा तो अगर मास बढ़ गया अगर मास बढ़ गया तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा यानी चार्जर्ड पार्टिकल अभी डी के अंदर ही होगा टाइम पीरियड बढ़ गया है लेकिन ऑसिलेटर दो सेकंड्स के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा यानी जब चार्जड मान लीजिए चार्जड पार्टिकल अभी यहाँ ही है तो इसने पोलैरिटी चेंज की यानी अभी तक ये पॉजिटिव था पहले ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था तो ये अंदर जा रहा था अभी ये अंदर ही है इसने पोलैरिटी चेंज की यानी ये नेगेटिव बन गया और ये क्या बन गया ये बन गया पॉजिटिव और जब चार्जर्ड पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा सपोज फिर से इसने पोलैरिटी तब तक चेंज की होगी ये बन जाएगा फिर से पॉजिटिव ये बन जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव इस पॉजिटिव के आगे नहीं आने देगा इसको रोकेगा यानी डिसिंक्रोनाइजेशन विल टेक प्लेस अगर पार्टिकल का मास चेंज नहीं होगा तो दो सेकंड्स के बाद पार्टिकल यहां आएगा पोलैरिटी दो सेकंड्स के बाद रिवर्स होगी पोलैरिटी रिवर्स होने से इसको पलप होगा जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे उनका मास बहुत कम होता है उनकी विलॉस उनका उन, उन, उनमें एब्रप्ट चेंज आएंगी वेलोसिटी में जिसकी वजह से मास चेंज होगा मास चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा टाइम पीरियड के चेंज होने से डिसिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी पार्टिकल और एक्सरेटर के सॉरी ये ऑसिलेटर के बीच में सो डिसिंक्रोनाइजेशन विल टेक प्लेस ये इसका प्रॉब्लम है सो so, पहला लिमिटेशन इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सरेट द न्यूट्रल पार्टिकल्स सेकेंड इज दैट इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सरेट द इलेक्ट्रॉन्स बट अब अगर आपको अब अगर आप फिर से इलेक्ट्रॉन को एक्सरेट करवाना चाहोगे नहीं हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सरेट करवाएं तो सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा सिंक्रोनाइजेशन के दो तरीके हैं हमारे पास एक तरीका है उसको हम कहते हैं फील्ड सिंक्रोनाइजेशन दूसरे को कहते हैं फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन सो फील्ड सिंक्रोनाइजेशन क्या हुआ फील्ड सिंक्रोनाइजेशन फील्ड सिंक्रोनाइजेशन में हम क्या करते हैं मास अगर बढ़ गए इलेक्ट्रॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ाते हैं ताकि इनका रेश हो कॉन्स्टेंट रहे और टाइम पीरियड चेंज ना हो और जब टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा तो डिसिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी इन दो के बीच में सो फील्ड सिंक्रोनाइजेशन में मैग्नेटिक मास बढ़ेगा अकॉर्डिंगली आप मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ाएंगे और टाइम पीरियड कॉन्स्टेंट रखते हैं दूसरा बेटा हो गया उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन में हम ऑसिलेटर की ही फ्रीक्वेंसी चेंज करवाते हैं अगर इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो गया टाइम पीरियड चेंज हो गया हम इसका भी टाइम पीरियड चेंज कराते ऑल दो दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस लेकिन हम करवा सकते हैं सो so, फ्रिक्वेंसी भी चेंज करते अकॉर्डिंगली जिसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन रहती है और हम कह सकते हैं कि चार्ज्ड पार्टिकल को, को कोई दिक्कत नहीं होगी मूव करने में सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन थैंक यू वेरी मच